वेलकम बैक। नाउ डिस्कसिंग अदर प्रॉब्लम, और इसमें वो आपसे पी और क्यू का वैल्यू मांग रहा है। इफ़ दिस लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो अभी कोई भी लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, अगर उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा, तो डेफिनेटली यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ कोफिशियंट्स कंपेयर करेंगे एक्स वाई के, तो यू विल रियलाइज़ ए वन की जगह आ जाएगा यहाँ पे टू, ए टू की जगह आ जाएगा यहाँ पे पी प्लस क्यू, देन बी वन की जगह आ जाएगा थ्री, बी टू की जगह आएगा टू पी माइनस क्यू, एंड सी वन की जगह आएगा नाइन, और यहाँ पे सी टू की जगह आ जाएगा थ्री पी प्लस क्यू प्लस वन, ठीक है। ये सारा रेशो होता है, ये किस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए होता है, ये हमारी इन इक्वेशंस के लिए होता है, या तो ये, और अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो जाता है। और सिमिलरली ए टू एक्स प्लस बी टू वाई माइनस का प्लस लिख देते हैं सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जब भी कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी तो आप इस फॉर्म में से लिख सकते हैं। अब अगर ये नाइन इधर जाता है या ये पूरा फैक्टर इधर जाता है, तो ये माइनस माइनस का होता, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो वी कैन से इसको यहाँ रहने से ऐसा सच कोई फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है ना। तो डायरेक्टली इस रिलेशन में आपने डाला, तो जब हम एक दोनों बार यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इस फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, एक बार इन दोनों का करवाएंगे, और कुछ इक्वेशन बनेंगी उसके अकॉर्डिंगली वी विल आंसर। सो जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाया तो क्या हुआ, टू इंटू टू पी बना आपका फोर पी, टू इंटू माइनस क्यू इज माइनस का टू क्यू, थ्री इंटू पी और थ्री इंटू क्यू बना, ठीक है। ये पी जब इधर गया तो यहाँ पे आपको पी की वैल्यू मिली फाइव क्यू, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा जब गेम में आप आगे और चले, अब आपने इस दोनों फैक्टर्स का जब मल्टीप्लीकेशन कराया क्रॉस में, तो थ्री इंटू थ्री इज़ नथिंग बट नाइन, ये हो गया पी प्लस क्यू प्लस वन इज इक्वल्स टू, और ये हो गया नाइन इंटू टू पी माइनस क्यू, ठीक है। नाइन से नाइन कैंसिल हुआ, आप चाहें तो पी की जगह फाइव क्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ पे फाइव क्यू डाला, तो फाइव क्यू प्लस क्यू सिक्स क्यू बना, ये प्लस का वन है, और यहाँ पे भी जब आप पी की जगह फाइव क्यू डालेंगे तो टू इंटू फाइव क्यू टेन, और टेन में से वन माइनस हुआ तो ये बचा सिर्फ नाइन क्यू, है ना। और ये जब इधर चला जाएगा तो वन इक्वल्स टू थ्री क्यू बचेगा, और क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन बाय थ्री, कोई टेंशन यहाँ पे, है ना। तो जब इसका लास्ट स्टेप है उसको देख लेते हैं, जैसे ही आपके पास क्यू वन बाय थ्री आ गया, है ना, तो आपको पता था पी इक्वल्स टू फाइव क्यू है, ये पहली इक्वेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने q की जगह जब 1 बाय थ्री पुट किया तो आपके p की वैल्यू आ गई 5 बाय थ्री, सो दिस इज़ योर आंसर, q का वैल्यू 1 बाय थ्री एंड p का वैल्यू 5 बाय थ्री। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।